जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आर्या सिंह और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वीरूपाक्ष मूवी का। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डर आपको कौन से शब्द सुनकर लगता है? वैसे तो जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, काला जादू, ब्लैक मैजिक। अगर ये गलती से कहीं सुनाई दे जाए तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, साथ में दिमाग भी नींद से जाग जाता है। आपको कन्फ्यूजन होगा, साइए दे तंत्र मंत्र नाटक है, फालतू का ड्रामा करते हैं सब। तो चलो आपका शक आज दूर कर देता हूं मैं। वीरूपाक्ष ये है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से निकलने वाला एक नया खतरनाक बॉम्ब। कंटेंट इतना सॉलिड कि प्रभास की सुपर डुपर आने वाली फिल्म आदि पुरुष भी इसके नीचे दब जाएगी। लोग शिकायत करते हैं हॉरर मूवीज में कहानी नहीं होती, तो चलो आज सारी कंप्लेन खत्म कर देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। वैसे तो फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी के साथ। लड़का अपने गाँव वापस आता है शहर से, नजर पड़ती एक सुंदर लड़की पर दोनों के दिल आपस में टकरा जाते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। अब इस लव स्टोरी का विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि ये गांव खुद बन जाता है। अचानक से पूरे गांव में होने लग जाती है कुछ अजीबोगरीब मौत, जिसमें इंसान से ज्यादा किसी शैतान का हाथ लगता है। और इन सारे मर्डर्स में ना एक चीज बिल्कुल कॉमन है, मरने वाले की हालत इतनी बुरी कि दूसरा इंसान उसको ढंग से देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अब गांव की रक्षा करता है इसके बीच सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर, इसके पुजारी बचने का एक रास्ता बताते हैं, पूरे गांव को लॉक कर दिया जाए, ना कोई बाहर वाला अंदर आए ना कोई अंदर से बाहर जाए। अब ये सब तो चल रहा है प्रेजेंट में, डर का माहौल है, इंसान मर रहे हैं, भूत वगैरह अंदर घुस आया है शायद। अब चलो थोड़ा पास्ट में हिस्ट्री। इस गांव में ना एक कहानी बड़ी मशहूर है, एक पागल संत की तांत्रिक की, जो अपने किसी तंत्र वगैरह के पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों की बलि देता था। अब उसका बाद में क्या हुआ वो आप फिल्म देखकर पता लगा लेना, लेकिन गांव वालों को शक है कि उसकी आत्मा वापस आई है जो लोगों को चुन चुन कर मार रही है। मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। एक एक गांव वाले चुन चुन कर नहीं मरेंगे, ये सब मरने वाले हैं, एक साथ सबकी बलि दी जाएगी। और कमाल की बात जानते हो क्या, जो इनको मारने वाला है वो खुद इन लोगों के बीच मौजूद है, मामूली इंसान बन के, इंसान के शरीर में शैतान। कौन कैसे क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आप खुद पता लगा लेना, बस साथ में हनुमान चालीसा रखना, बहुत डर लगने वाला है आपको। अचानक से स्क्रीन पे जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करेंगे कि फिल्म में कुछ होने वाला है, बस ठीक उसी मोमेंट पर आपको हार्ट अटैक देने वाले हॉरर सीन्स बिना दरवाजा नॉक किए घुसे चले आते हैं। ब्लैक मैजिक वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत ही डरावने तरीके से किया गया है फिल्म में। शायद रियल लाइफ में और ज्यादा घबरा जाओगे आप अगली बार ये सब सुन के। शायद वार्निंग देना भूल गया मैं, लेकिन ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, या तो साथ में देख लेना आप 3-4 लोगों का ग्रुप बना। चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि फिल्म का एंड होने से पहले आपको घंटा पता नहीं चलने वाला कि फिल्म का असली विलेन आखिर है कौन। शर्त लगा लो आप, कहानी को इतना ज्यादा धोखेबाज वाला राइटिंग के साथ लिखा गया है कि हर दूसरे कैरेक्टर पर शक जरूर होगा, लेकिन यकीन में कभी नहीं बदलता। शिव कुमार को जानते हो ना आप, अरे पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर, ये जितना बढ़िया डायरेक्टर है ना उससे भी ज्यादा कमाल के राइटर भी है, हमेशा एक से बढ़कर एक फिल्म। इससे पहले मैंने देखा था रंगस्थलम, उसके भी एंड सीन से पहले आप समझ नहीं पाओगे कि फिल्म का असली ट्विस्ट आखिर था क्या। और अब ये वीरूपाक्ष, इसका सस्पेंस भी बहुत खतरनाक है और साथ में हॉरर अलग से भर दिया है, तो ये कॉम्बिनेशन स्पेशल बन जाता है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि फिल्म कहां से देख सकते हैं, अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए हो तो वहां पर, नहीं तो अनऑफिशियली कहां देखना है आपको मुझसे ज्यादा पता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ सवाल या शिकायत तो करना हो तो इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।